हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिनेमा विद अनीस अजय में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनीष वधावा की सभी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, इनकी पहली फिल्म आई थी राहुल, जिस फिल्म में नजर आए थे जतिन गढ़वाल, यश पाठक, सवाना राजा। 2001 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, इनकी अगली फिल्म आती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो। इस फिल्म में नजर आए थे सचिन खेदकर। 2004 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वही इनकी अगली फिल्म आती है पद्मावत, जिस फिल्म में नजर आए थे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर। 2018 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वही इनकी अगली फिल्म आती है मनकनिका क्वीन ऑफ झांसी। 2009 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, वही इनकी अगली फिल्म आती है श्याम सिंह रॉय, जिस फिल्म में नजर आए थे नानी, कृति सेट्ठी, साई पल्लवी। 2021 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वही इनकी अगली फिल्म आती है पठान। शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण, सलमान खान के साथ यह फिल्म 2023 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वही इनकी अगली और अपकमिंग फिल्म है, फिल्म का नाम है गदर 2 द कथा कंटिन्यू, जिस फिल्म में नजर आएंगे सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, और उस फिल्म में मनीष वधावा का एक निगेटिव किरदार देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है। फिल्म कैसी रहेगी, हिट रहेगी, फ्लॉप रहेगी, ब्लॉकबस्टर रहेगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।